नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं सिर्फ एक वीडियो में प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे कि प्रतापगढ़ में कब कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए देखते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं पट्टी से, जहां एक महिला को दूसरी महिला ने मकान की तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। गंभीर घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन गांव की रहने वाली चमेला देवी पत्नी सुखी राम का आरोप है कि कंधई थाना क्षेत्र की रहने वाली काजल नाम की एक युवती उसके घर में रहती थी। युवती की हरकतें ठीक नहीं थी। कुछ पुलिस वाले आए दिन उससे मिलने आते थे। इसका विरोध करने पर युवती आए दिन मकान की मालकिन चमेला से झगड़ा करती थी। चमेला देवी ने जब पुलिस से शिकायत की तो रूर पुलिस चौकी के एक सिपाही ने उसके बेटे को मारा पीटा और 30,000 रुपए भी छीन लिए। इतना ही नहीं, उस लड़की को सिपाही ने जबरिया चमेला देवी के घर में रखवा दिया। इसी बीच बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे के आसपास चमेला की बहू सीता देवी घर के तीसरे मंजिल पर थी। आरोप है कि तभी उस युवती ने सीता को धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे आ गिरी और गंभीर घायल हो गई। यह देख परिजन उसे आनंद फानन में सीएससी पट्टी ले गए, जहां पर गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज में चमेला देवी की बहू सीता देवी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई। मामले की जानकारी जब पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह से ली गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दिया है। तहरीर मिलने के बाद जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वैसे मामला काफी गंभीर है। पुलिस को तहरीर का इंतजार न करते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरे मामले में एक सिपाही का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। अगली खबर मानिकपुर से है, जहां चार बेटों के होते हुए भी आर्थिक तंगी के कारण महीनों से एक विधवा महिला मौत से जूझ रही है। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने से बेटे मेहनत मजदूरी कर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लखनऊ के डॉक्टरों ने लाखों का पैकेज बताया, जिसके बाद परिवार असहाय होकर घर लौट आया। अब लोगों से मदद की दरकार है। मानिकपुर नगर पंचायत के चौका पारपुर मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजदेव गंभीर बीमारी से पीड़ित है। पति राजदेव की 9 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। गीता के चार बेटे आशीष, मनीष, सतीश, सत्येंद्र और एक बेटी दिव्या है। आशीष, मनीष और दिव्या की शादी हो चुकी है, जबकि सतीश और सत्येंद्र अभी अविवाहित हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं होने से सभी बेटे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं। गीता देवी महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। बेटे उसे इलाज के लिए लखनऊ के एक नामी डॉक्टर के यहाँ ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिनों तक इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक करने के लिए 20 लाख का एस्टीमेट बताया। इतनी मोटी रकम की व्यवस्था नहीं कर पाने से वह लोग बेबस होकर अपनी माँ को लेकर घर आ गए। अब गाँव के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक मदद की फरियाद कर रहे हैं। अगली खबर फतनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश पनप उठा। मामले की शिकायत एसपी से ट्विटर पर की गई, जिसके बाद जातीय जहर घोलने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नारायणपुर कला गांव में बृहस्पतिवार की दोपहर को बसपा नेता राघव गौतम की पत्नी की शोक सभा के दौरान एक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी से जातीय जहर घोलने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। टिप्पणी में युवक द्वारा ये कहा जा रहा है कि मंदिर में न जाएं और ब्राह्मणों को कभी वोट न दें। इस मामले से आहत कुछ लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिम से ट्वीट करके की। आरोपी नारायणपुर कला गांव का राजेंद्र यादव बताया जा रहा है, जो पेशे से अधिवक्ता भी है। इसके पहले भी आरोपित राजेंद्र यादव ब्राह्मण समुदाय पर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर चर्चाओं में आ चुका है। करीब 4 माह पहले सराय सुल्तानी में भी इसने एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते परशुराम सेना व अन्य लोगों की शिकायत पर रानीगंज थाने में इसके विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन वह अपनी इस करतूत से बाज नहीं आ रहा। इस मामले पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपित को फतनपुर थाने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। अगली खबर देलुपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देलुपुर थाना क्षेत्र के मदईपुर गांव निवासी मोहम्मद खुर्शीद उर्फ मुन्ने पुत्र मुनीर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। आज पुलिस ने उसे विश्वनाथगंज बाजार में मानधाता मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।